हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई? मस्त रहो, चिल रहो। इधर अपना ब्रूनो पीछे और ये रही अपनी प्यारी चार्ली। अभी कान थोड़ा रिकवरी में, थोड़ा सही होता जा रहा है। अभी रोज़ पट्टी चेंज होती है इसकी। तो यार आज भी एक वीडियो देख रहा था कि पिटबुल मतलब बहुत एग्रेसिव था। एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई हुई थी कि मतलब वो पिटबुल जब चल रहा था कहीं पर भी तो सब साइड में होने लग रहे थे और कह रहे थे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो हरदम ध्यान रखे यार, डॉग कभी एग्रेसिव नहीं होता है। एग्रेसिव वही डॉग्स होते हैं जो लोग अपनी औकात से ज़्यादा डॉग को रखने की कोशिश करते हैं। उनके पास कैपेसिटी होती नहीं रखने की, इन्वायरमेंट नहीं होता है रखने का डॉग को, और दूसरे को दिखाने के लिए जो डॉग रख लेते हैं। डॉग कभी भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं इतने। बट बोला ना, जिनके पास स्पेस नहीं होता, जो डॉग की बिना फैसिलिटी सोचे समझे जो डॉग रख लेते हैं, उन्हीं के डॉग हरदम एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। नहीं तो डॉग्स हरदम नॉर्मल ही रहते हैं, ज़्यादातर इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो हरदम ध्यान रखें यार, आपके पास जैसी फैसिलिटी है आप वैसे ही डॉग्स को रखें। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो बिल्कुल भी अपने पास बड़े डॉग्स या ज़्यादा वर्किंग लाइन, हार्ड वर्किंग लाइन के डॉग्स बिल्कुल ही ना रखें। ऑटोमेटिकली वो एग्रेसिव ही होंगे, ध्यान रखें। तो भैया हरदम कहता हूँ, डॉग कभी भी एग्रेसिव नहीं होता यार। डॉग को पालने वाले तिया होते हैं, जो जिनके पास कहना थोता अचानक बात जगहना, वही हालात होते हैं। औकात होती नहीं है रखने की, फैसिलिटी दे नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती पाल लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि हमने ये डॉग रखा हुआ है, और दूसरों को डराते हैं। तो भैया जब दूसरों को डराते हो, डरते हैं ना, तो ज़िंदगी में ना कभी उस पेन को खुद भी फील कर लिया करो। जिस दिन दूसरे का भसड़ वाला काटेगा ना पिछवाड़े, तो जब सब अकल ठिकाने आ जाती है। तो इसलिए हरदम ध्यान रखो, जब जिस दर्द को खुद ना झेल सको ना, वो दर्द देने की दूसरों को कोशिश ना किया करो। डॉग को एग्रेसिव बनाने की, डॉग को बेचारे को रखने की, अच्छे खासे इंसानों से भी बहुत अच्छे होते हैं यार, कई लाख गुना अच्छे होते हैं। तो इनको भी बेचारों को बेकार कर देते हैं एग्रेसिव बना के। एग्रेसिव देखिए हरदम बनेगा जब आप उनको उनकी फैसिलिटी नहीं देंगे, वर्किंग आप अच्छे से एक्सरसाइज कराओगे तो आपका डॉग कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा। हरदम ध्यान रखें, क्योंकि उसके जो अंदर की जो एनर्जी जो लेवल है ना, वो सब निकल जाता है एक्सरसाइज से। उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी के ऊपर ज़्यादा आलतू फालतू करे, बाइट करे, काटे, किसी के पीछे दौड़े, इतना एनर्जी नहीं होता है। तो हरदम ध्यान रखें, जब तक आप अपने डॉग की एनर्जी ख़त्म नहीं करोगे, वेस्ट नहीं करोगे, वो डॉग आपका एग्रेसिव ही बनेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है भैया, अपनी औकात के अनुसार ही डॉग खरीदें। अगर आप उसको फैसिलिटी दे सकते हो जब ही खरीदें, और डॉग को बिल्कुल भी बदनाम करने की कोशिश ना किया करें कि डॉग सारे एग्रेसिव होते हैं। कोई भी डॉग एग्रेसिव नहीं होता है, अपना 1% कभी गिनते में नहीं आते हैं कि हाँ भैया 2-4% चलो डॉग्स कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी डॉग कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता है किसी भी टाइम पर। कभी भी कोई ब्रीड शुरू से ही एग्रेसिव नहीं होती, उसको सब बनाया जाता है। आप कोई भी ब्रीड है, आप उसको बांध के रखिए, उसको ओपन मत घुमाइए, खुला मत घुमाइए, तो वो बंदी बंदी बेचारी एग्रेसिव होगी। इसलिए रिक्वेस्ट है यार, हरदम आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपके पास जितना टाइम है दे सकते हो, जब भी हरदम बड़ी ब्रीड रखें, पावरफुल ब्रीड रखें। नहीं तो अपना एक नॉर्मल डॉग पालें सबसे अच्छा है, जिनके पास फालतू टाइम नहीं है, लैब्राडोर पालें और गोल्डन रिट्रीवर रखें। मस्त रहो, चिल रहो, ठीक है। दूसरों को दिखाने के लिए ना कभी भी ज़्यादा हैवी ब्रीड्स अपने पास ना रखें। आजकल पिटबुल का बड़ा चलन है। पिटबुल एक तो नॉर्मली ज़्यादातर सबको इसलिए मिल जाता है क्योंकि ये फ्री में बहुत बढ़ता है कुत्ता है। मेरे गांव में भी काफ़ी डॉग्स हैं पिटबुल, सब फ्री वाले हैं। जिनको पिटबुल बुल्ली लाइन जितना भी है सबको फ्री वाले हैं, क्योंकि इन डॉग्स को कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता। और जब ये हो जाते हैं ना, दो दो कौड़ियों के भाव बिकते हैं, दो दो तीन तीन हज़ार हज़ार रुपये, 500 की रेंज में सब ये बिकते हैं। तो हरदम ध्यान रखें, नहीं तो पिटबुल का जो असल अच्छी ब्रीड है, ओरिजिनल ब्रीड है, काफ़ी कॉस्टली आती है, समथिंग 50-60-70,000 के अराउंड आती है जो अच्छी ब्रीड्स होती हैं। चलो यही थोड़ा सा एक अपडेट देना था। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।